बसमिल्ला चैप्टर है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक है हमारा एक्चुअल ब्रीच प्लस लॉफुल एक्सक्यूज तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं नंबर वन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है बिफोर अराइवल ऑफ एक्चुअल टाइम ऑफ परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी ने अपनी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लीगेशन परफॉर्म करने से इनकार कर दी वो हम पिछले रिकॉर्डिंग में समझ चुके हैं नंबर टू होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब होता है एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस उसने 25 जनवरी को परफॉर्मेंस देनी थी और उसने 25 जनवरी को परफॉर्मेंस देने से इनकार कर दिया तो वो इंकार जो एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस कर रहा है उसको एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं लेकिन अब एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुकाबले में ये इस नाम से ज्यादा पॉपुलर है रिपोर्डिएटरी ब्रीच रिपोर्डिएटरी ब्रीच तो रिपोडिएटरी ब्रीच और एक्चुअल ब्रीच दोनों का मतलब एक ही है ये कब होता है एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और एंटीसीबिटिव ब्रीच कब होता है बिफोर अराइवल ऑफ ऑफ एक्चुअल टाइम परफॉर्मेंस तो आप कहेंगे रिपोडियटरी रिपोर्डिएटरी ब्रीच या एक्चुअल ब्रीच इसकी मुख्तलि शक्लें क्या हो सकती है तो इसकी शक्लें देखते हैं नंबर वन रेनसिएशन मतलब उसने परफॉर्म करने से इनकार कर दिया नंबर टू फेलियर टू परफॉर्म इंटायर एंड प्रिसाइज परफॉर्मेंस जैसे घर की कंस्ट्रक्शन है घर की कंस्ट्रक्शन है प्रिसाइज क्या चीज कैसे बनानी है कमरे कैसे होंगे दो मसला घर है उसने एक फ्लोर की कंस्ट्रक्शन की है और वो भी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन के मुताबिक नहीं की और फर्स्ट फ्लोर की कंस्ट्रक्शन से इनकार कर दिया तो फेलियर टू परफॉर्म इंटायर द होल

एग्रीमेंट की फॉर्मेशन हो गई अभी परफॉर्मेंस नहीं हुई है ए ने अपनी गाड़ी एक थर्ड पर्सन सी को सेल कर दी दिस इस कॉल्ड से ए ने कर दिया दिस ब्रीच दिस इज एक्चुअल ब्रीच अगर ये इनकेशन बिफोर द ऑफ एक्चुअल टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की है तो फिर ये इस खाते में चला जाएगा अगर ये इनकेटेशन एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की है तो ये इस खाते में चला जाएगा यानी ये एक्चुअल ब्रीच नंबर कर पार्टी ने ब्रीच ऑफ कंडीशन कर दिया कंडीशन बोले तो वाइटल वो टर्म विच इज वाइटल टू द कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट की बेस है फाउंडेशन है आत्मा है वो टर्म है तो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्म नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है सिंगर सिंगर का सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट की फर्स्ट नाइट को अपियर होना

तो वो उसका ये इनकार, ये एक्सक्यूज कब लॉफुल एक्सक्यूज होगा तो लॉफुल एक्सक्यूज फॉर नॉन परफॉर्मेंस नंबर वन बाय एग्रीमेंट पार्टीज ने ए और बी ने आपस में एग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर दिया बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट तो अब अगर परफॉर्मेंस देने वाला इनकार कर रहा है तो ये लॉफुल एक्सक्यूज है कि भैया मेरा तो उसके साथ एग्रीमेंट हो गया उसने कहा कहानी खत्म नंबर टू फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब परफॉर्मेंस ऑफ अंट्रेक्ट सब्सिक्वेंटली बिकम इंपॉसिबल्ट्रैक्ट एक्टर का प्रोड्यूसर के साथ मूवी की शूटिंग के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शूटिंग स्टार्ट होती एक्टर के चेहरे पर किसी ने ऐसे तेजाब फेंक दिया एक्टर पैरलाइज हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस इंपॉसिबल हो गई हम कहेंगे कॉन्ट्रेक्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है तो ऑटोमेटिकली टर्मिनेट होता है तो फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक लॉफुल एक्सक्यूज है नंबर थ्री आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ व्हाइट वॉश करने वाले के साथ कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन हो गई है जिस दिन वाइट वॉश करना है वो आता है वो कहता है मैं वाइट वॉश के लिए आ गया हूं मेरे पास स्लैंडर है ब्रश है पेंट है है कुछ वर्कर्स है सब कुछ है मैं रेडी हूं परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी और फिलिंग हूं तो क्या मैं व्हाइट वॉश स्टार्ट कर दूं इसको कहते हैं ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इसको कहते हैं टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस आपने उसको कटा दिया आपने उसकी टेंडर और परफॉर्मेंस ऑफर और, और परफॉर्मेंस को रिजेक्ट कर दिया उसको कटा दिया चल कट ले तो उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने का अब वो आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता है आपने रिपोर्टिप ब्रीच किया है लेकिन उसके पास लॉफुल एक्सक्यूज है परफॉर्म ना करने का कि भैया मैं तो अपने लाओ लश्कर के साथ आया था इनकार इसने किया है इसने मेरी टेंडर और परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया नंबर फोर अदर पार्टी मेक्स इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म आपका प्लम्बर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसने आपके घर में कहीं पानी की लाइन लीक हो रही है किसी वॉशरूम में आपके घर में तीन चार वॉशरूम है वो प्लम्बर आ गया अपने सासों सामान के साथ वो कह रहा है कि बताए जी कौन सा वॉशरूम है आप उसको निशानदेही नहीं कर रहे पॉइंट आउट नहीं कर रहे कि ये वाला वॉशरूम है यहां रिपेयरिंग करनी है तो आपने उसके लिए परफॉर्मेंस को इम्पॉसिबल बना दिया अपने निगलेक्ट के रवैये की वजह से तो ये उसके पास लॉफल एक्सक्यूज है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करने का देखें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है हो वो हो, या हो, जिसका पॉपुलर नेम है breach. तो breach के बाद, के पास क्या रेमेडीज होंगी हम ऑप्शन की बात नहीं कि फॉरन केस फाइल करो या डेट ऑफ परफॉर्मेंस का इंतजार करो रेमेडीज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो लॉस हुआ रेमेडीज रेमेडीज क्या है तो पहली रेमेडी है डैमेजेस डैमेजेस के आखिर में ऐसा लगा हुआ है डैमेजेस का मतलब मॉनिटरी तो ये डैमेज हो जाएगा डैमेज का मतलब लॉस नंबर टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नंबर इंजेंशन कोर्ट ऑफ लॉ का ऑर्डर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना नंबर फोर एक्शन फॉर प्राइस एक्शन फिल्मों वाला एक्शन नहीं है एक्शन का मतलब है सूट सूट का मतलब है मुकदमा सूट नाउन है इसका वर्मे सू आई विल सु, यू एस यू नंबर फाइव क्वान्टेरूट क्लेम क्वान्टेरूट एक लैटिन फ्रेज है तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ एंटी से ये पांच रेमेडीज हैं जिसके जरिए इंसल्ट पार्टी दाद रसी हासिल कर सकती है रिलीफ हासिल कर सकती है अब इनको सेपरेट रिकॉर्डिंग में हम अलग अलग करके इंशाला समझेंगे हास्ता लाभिस्ता